दोस्तों एक नया यूट्यूबर जब यूट्यूब पर आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ बड़े बड़े चैनल्स होते हैं। बड़े बड़े चैनल्स का मतलब है कि यार मुझे ब्लॉग वीडियो बनाना है, मुझे टिक का वीडियो बनाना है, मुझे रोस्टिंग वीडियो बनाना है, मुझे कॉमेडी वीडियो बनाना है या फिर मुझे कुकिंग का वीडियो बनाना है। यही सारे कैटेगरी हैं जिसमें एक सेलेक्ट करके वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कैटेगरी है इसमें आपको चीजें सीखना पड़ता है, सीखने के साथ काम करना पड़ता है और काम करने के साथ साथ यहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि तुरंत चैनल ग्रो नहीं होता है। कुछ टाइम यहां पर देना पड़ता है, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, लेकिन वही टाइम कोई नहीं देता है और वो क्या करते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं, चीजें सीखना नहीं चाहते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है यार कोई ऐसा चैनल तो होगा जहां पर अगर मैं आज काम करूं उसी दिन मुझे ग्रो दिखने लगे, इस महीने काम करूं तो इसी महीने मुझे पैसे मिलने लगे। देखिए आज मैं आपको कोई स्टोरी टाइप का चैनल ये सारा कुछ नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको यूट्यूब की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं जिनका कि नाम होता है छोटे चैनल्स। लेकिन भाई वो चैनल के बारे में ना आपको पता है ना आप जानते हैं, लेकिन उस चैनल में जो काम करते हैं वो कोई चेहरा वगैरह नहीं दिखाते हैं, उनको चेहरे से कोई नहीं जानता, लेकिन वो इतना पैसा छापते हैं ना जितने बड़े बड़े कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं कमाते होंगे। विश्वास मानो आप, मैं पर्सनली एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो इसी छोटे कैटेगरी में काम करता है और एक नहीं 15-15, 20-20 चैनल रन करता है। उसके पास टीम कोई 2-4 लोगों की नहीं, 35-35, 40-40 लोगों की टीम है और हर महीने कम से कम 15-20 लाख रुपए महीने वो कमाता है इन्हीं छोटे चैनल्स पर काम करके। जो चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनकर, ध्यान से समझ कर जाइएगा। जो चैनल आपको बताने वाला हूं, आपको वैसे ऊपर से बताऊंगा आपको लगेगा अरे सर ये तो छोटा चीज है, इसमें ये काम करने से कौन सा वीडियो पर व्यूज आएगा, इस पर कौन से पैसे बनेंगे। तो भाई सिर्फ बताकर नहीं जाऊंगा, आपको सारा कुछ मोबाइल फोन में लाइव दिखाऊंगा, भी प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई देख लो यही छोटा काम करके देख लो कितने व्यूज आ रहे हैं, यही छोटा काम करके देख लो कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, यही छोटा काम करके कितना वो पैसे कमा रहा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और विश्वास मानो इस कैटेगरी के बारे में जो आपको मैं छोटे चैनल्स की कैटेगरी बता रहा हूं कि यार इस पर भी लोग काम करते हैं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ना कि यार जो ब्लॉग बनाता है, जो कॉमेडी बनाता है, जो रोस्टिंग करता है, जो टिक का वीडियो बनाता है जिसमें ज्ञान चीजें मिलती हैं, वही सब में पैसा है। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी कैटेगरी जो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, पूरा देखकर समझ कर जाओगे ना, वहां इतना पैसा है जितना सोचे नहीं होगे और वीडियो बनाना इतना आसान है कि आप सोच, आप जब देखोगे ना आप बोलोगे सर मेरा छोटा सा बच्चा है वो भी बना लेगा, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा होगा वो भी कॉन्टेंट बना लेगा और कोई बड़ा आदमी होगा, कोई मान चलो वृद्ध हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, तो भाई आप भी काम कर सकते हो, दादाजी आप भी काम कर सकते हो, इतना तगड़ा वो चैनल आइडिया है। इसलिए वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं, विश्वास है मेरे पर, तो वीडियो पूरा देखकर जाना, सब कुछ समझ कर जाना। अगर विश्वास के साथ समझ लिए तो ये छोटे चैनल जो है वो आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे। नाम के छोटे चैनल है, काम में छोटे चैनल है, वीडियो बनाने में छोटा सा काम करना है, लेकिन पैसे भर भर के देते हैं, इतना पैसा वो आपको देता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। इसलिए आपके लिए मैं ऐसा ही चैनल आइडिया लेकर आया हूं, पूरा ध्यान से देखकर जाना, सब कुछ बताऊंगा, चैनल कैटेगरी सेटिंग, कौन सा चैनल है, क्या काम करना है, सब कुछ समझाऊंगा। बस वीडियो देखने की जिम्मेदारी आपकी है, विश्वास करने की जिम्मेदारी आपकी है, पूरा देखोगे, विश्वास करोगे, काम करना स्टार्ट करोगे, कोई तामझाम नहीं है, काम करना स्टार्ट करोगे, ना चेहरा दिखाना है ना आवाज डालना है, विश्वास मानो दबा कर पैसे कमाओगे, बहुत तगड़े से ग्रो होगा, इतना पैसे कमाओगे जितना सोचे भी नहीं होगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ पहले आपको लाइव दिखाकर समझा देता हूं। उसके पहले चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा लेना, क्योंकि आपका जुड़ना मुझे मोटिवेशन देता है और ऐसे ऐसे कॉन्टेंट लाने के लिए मुझे एक अंदर से उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, ऐसे ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं जिससे आपकी जिंदगी बदल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको कमाल का नाम का छोटा चैनल, एक अलग कैटेगरी जो YouTube में है, जहां काम करके रातों रात लखपति आराम से बन जाओगे, इतना तगड़ा वो चैनल है, वो सारा कुछ चलिए मैं आपको डिटेल में दिखा।
दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, मैं यूट्यूब के अंदर हूँ। अब मैं आपको लेकर चलिए लाइव दिखाता हूँ, मैंने वो चैनल का नाम सर्च मार लिया है। अब चलिए लाइव दिखाता हूँ, कॉन्टेंट समझ कर जाइएगा। अगर आप इसको छोटा कॉन्टेंट समझने की भूल करोगे कभी भी काम करके पैसे नहीं कमा पाओगे, इसलिए पूरा समझ कर जाइएगा। बहुत काम का कॉन्टेंट है, भले ही छोटा कॉन्टेंट है लेकिन ये जैकपॉट वाला कॉन्टेंट है जिस पर कोई काम नहीं कर रहा है यूट्यूब के। यहां पर मैं चैनल पर यहां सर्च करता हूं, आर्ट फॉर किड्स हब नाम से चैनल है। इस पर आप देख सकते हो 7.14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 71 लाख सब्सक्राइबर हैं सिर्फ 2.4 के वीडियो डालकर, 2400 वीडियो डालकर 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। क्या कंटेंट बनाता है देखोगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। या मैं डायरेक्ट पॉपुलर वीडियो पर जाता हूं और पॉपुलर वीडियो पर एक बार नजर घुमाकर देख लो, 68 मिलियन व्यूज, 44 मिलियन व्यूज, 34 मिलियन व्यूज, 30 मिलियन व्यूज, 29 मिलियन व्यूज, 28 मिलियन व्यूज, 27 मिलियन व्यूज, 22 मिलियन व्यूज, 22 मिलियन व्यूज, ऐसे ऐसे मिलियंस में व्यूज लॉन्ग के अंदर आ रहे हैं। कोई ये शॉर्ट्स का चैनल नहीं है, लॉन्ग के अंदर ऐसे ऐसे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा वो कमा रहेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा नहीं है यूट्यूब के अंदर इतना व्यूज का कितना पैसा बनेगा ना, आपके सोच से भी ज्यादा है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कंटेंट क्या बनाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है तो सच में कोई वीडियो में तगड़ा कुछ कंटेंट बनाया जा रहा होगा, जो आपको छोटे बच्चों का कंटेंट लगता है, एकदम लगता है यार बेकार कंटेंट है ना, वही बनाया जाता है। देखो देखो क्या बनाया जाता है और देखकर अपना दिमाग खोल लो। यहां पर एड्स आ रहे हैं, एक मिनट एड्स यहां पर बंद होने दो फिर दिखाता हूं। देखो देखो यहां पर देखो देखो क्या बनाया जा रहा है, देखो क्या स्टार्ट किया जा रहा है। देखो आपके सामने है यहां पर दो पेपर हैं, दो यहां पर आपको पेपर दिख रहे हैं, आपको सामने कुछ कलर्स दिख रहे होंगे और इसके साथ ही क्या किया जाएगा देखो आपके सामने, देखिए यहां पर मान चलो वॉइस डाला जाता है, भले इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप वॉइस डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो पीछे म्यूजिक लगा देना, बस एनसीएस बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना जिस पर कॉपीराइट ना है। बस देखो अब क्या कॉन्टेंट बनाया जा रहा है, देखो कोई चेहरा दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, दो पेपर लिया गया है और यहां पर देखो स्केच पेन से क्या बनाया जा रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ आर्ट बनाया जा रहा है। और आर्ट का मतलब यह नहीं है कि भैया बहुत भयानक आर्ट जो आप नहीं बना पाओगे, छोटे बच्चे वाला देख सकते हो आप, यहां पर एक यहां पर गोला बनाकर यह कुछ बनाया जा रहा है। देखो एक बड़ा आदमी है जो कि एक अच्छे तरीके से आर्ट बना रहा है और उसी के साथ एक छोटी बच्ची है, फिर बच्चा है जो कि सेम देख देख कर बना रहा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि यार एक बहुत अच्छा बना रहा है एक बहुत खराब, क्योंकि एक छोटा बच्चा बना रहा है। आप देखिए वो जिस तरीके से बना रहा है उसी का कॉपी करके वो बच्चा बना रहा है, देखिए बहुत हार्ड है, बताओ खुद बताओ बहुत हार्ड है, अपने दिमाग से सोचो हार्ड है ये कॉन्टेंट। देखो देखो क्या किया जा रहा है पता है, यही सारा सिर्फ यहां पर देखो, ये यहां पर देखो कितना आसान से गोला बनाकर यहां पर दो आंख लगाकर एक छोटा सा नाक लगाकर दो ठो यहां पर पैर टाइप का बनाकर यहां पर बना दिया गया, एक छोटा बच्चा है उसी का देखकर एक व्हाइट पेपर लेकर यहां पर स्केच से वही बना रहा है। अब बताओ ये कॉन्टेंट हार्ड है, खुद अपने से पूछकर बताओ हार्ड है, नहीं हार्ड है ना। अब आपको दिमाग में अभी मैं यही वीडियो आपको दिखाता और बोलता ऐसा वीडियो बनाओ तो आप बोलते अरे सर ऐसा नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा देखेगा कौन, व्यूज कहां से आएगा, देख लो आंखों से देख लो कितना व्यूज आया है, 68 मिलियन व्यूज आया है, यानी लगभग 7 करोड़ व्यूज आए हुए हैं। अब 7 करोड़ व्यूज का लॉन्ग में कितना पैसा बना होगा ना सोच भी नहीं सकते, जितना एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में कमाता है उतना इसको एक वीडियो पैसा दे दिया होगा, समझ लो इतना ज्यादा पैसा। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें नीचे सुपर थैंक्स का बटन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आप मतलब हमको उल्लू बना रहे हो। भाई साहब उल्लू नहीं बना रहे हैं बल्कि आप उल्लू हो, पहले सच्चाई समझो। ये जो कंटेंट बनाया गया है देखो क्या बनाया गया है, ट्राई यूट्यूब किड्स लिखा गया है, यानी ये बच्चों का कंटेंट है। तो भाई सुन लो, जिनको नहीं नॉलेज है सुन लो, वरना जाकर कमेंट में उल्टा सीधा बोलोगे कि इसमें सुपर थैंक्स का बटन नहीं है तो चैनल नहीं मोनेटाइज होता है। सुनो पहले जो बच्चों का कंटेंट होता है, ट्राई यूट्यूब किड्स करके लिखा गया है ना, यानी ये बच्चों का, यस इट इज मेड फॉर किड्स सेलेक्ट किया गया है, बच्चों का कंटेंट है। और जो बच्चों का कंटेंट होता है वहां पर आप ना कमेंट कर सकते हो, देखो कमेंट आर टर्न ऑफ लिखा गया है, यहां पर आप कमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चों का कंटेंट है और बच्चों का कंटेंट बच्चे देखते हैं तो बच्चे जाकर कमेंट करेंगे नहीं भैया हेलो बहुत अच्छा बनाया हो वीडियो, इसलिए कमेंट का ऑप्शन दिया नहीं जाता। और सुपर थैंक्स का भी यहां पर बटन नहीं मिलता है, उनको नहीं दिया, भले ही चैनल मोनेटाइज होता है लेकिन सुपर थैंक्स आपको यहां पर नहीं दिखता है जब यस इट इज मेड फॉर किड किया जाता है, क्योंकि बच्चे सुपर थैंक्स नहीं देंगे ना, जाहिर सी बात है। इसलिए बच्चों के कॉन्टेंट में कहीं पर भी जो वीडियो बच्चों के लिए होगा वहां पर सुपर थैंक्स का बटन और कमेंट आपको नहीं मिलता है, भले ही चैनल मोनेटाइज होता है। और यहां पर देख लो 68 मिलियन व्यूज है और
सारा आपका कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि सर कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा, भाई साहब काहे के लिए आएगा, वीडियो आपका, पेपर आपका, हाथ आपका, स्केच आपका, बना आप रहे हो तो किस लिए आपका कॉपीराइट क्लेम वगैरह बताओ। और यहां पर देखो, अगर आप मान चलो इंडियन हो, सीधी सी बोलकर भाई कि यार लाओ ऐसा यहाँ पर मैं चल रहा हूँ एक छोटा सा बिल्ली बनाने, मेरे साथ ये एक बच्चा है जो कि मेरे साथ बनाएगा, देखते हैं कौन अच्छा बनाता है, चलो स्टार्ट करते हैं। और पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो बच्चों वाला म्यूजिक नहीं होता है, सर्च मारोगे, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, NCS किड्स बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब पर सर्च मारोगे ना, भर भर के आपको मिल जाएंगे। उसी म्यूजिक को आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर सिंपली सर्च मारना है NCS किड्स बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ इतना सर्च मारो NCS किड्स बैकग्राउंड म्यूजिक। सर्च मारोगे ना, यहाँ पर देखो बच्चों के बहुत सारे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, ये किड्स बैकग्राउंड म्यूजिक करके बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। इसी बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर लेना, पीछे थोड़ा सा देखते हो जिसमें बच्चे हु हु करके ऐसे आवाज आता होगा आपको, ये सारे बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं, उसको लगा लेना। और यहाँ पर ऐसे स्केच और पेन की मदद से 2 रुपये का पेपर, 5-10 रुपये का स्केच लेकर कितना वीडियो बना लोगे सोचे भी नहीं होगे। और ऐसा कॉन्टेंट बनाकर यहाँ पर 68 मिलियन व्यूज लगाकर पैसे छापे जा रहे हैं, समझे। और आपको अगर ये लग रहा होगा कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो भाई आप सोते रहो। अगर आपको विश्वास नहीं है, मत मानो, मत काम करो, आप जैसे हो वैसे ही चले जाओगे, दुनिया से कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, पहले विश्वास करना सीखो। मैं बोल रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं रिवील कर सकता क्योंकि कुछ प्राइवेसी पर्पज है, उनके चैनल का नाम नहीं बता सकता, लेकिन विश्वास मानो, ऐसे मैं जानता हूं एक बंदे को जो कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनसे पर्सनली बात भी होती है, उनके कई सारे ऐसे ही अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप्स के काम करके अलग अलग टाइप के उनके कंटेंट बनाते हैं, और 35-35 लोगों की टीम रखे हुए हैं, 15-15, 20-20, 25-25 चैनल रन करते हैं, इतना चैनल रन करते हैं, कितना पैसा छापते हैं आप सोचे भी नहीं होगे। चेहरे से कोई नहीं जानता उनको, क्योंकि चेहरे का कोई कॉन्टेंट है ही नहीं, ऐसे बच्चों का कॉन्टेंट बनाते हैं जो आपको लगेगा अरे यार ये कौन देखेगा, भाई छोटे बच्चे देखेंगे यार, छोटे बच्चे थोड़ी ना जाकर न्यूज देखेंगे, छोटे बच्चे जाकर थोड़ी ना कपिल शर्मा का शो देखेंगे, छोटे बच्चे जाकर थोड़ी ना कैरी मिनाटी का रोस्टिंग वीडियो देखेंगे, छोटे बच्चे थोड़ी ना आशीष चंचलानी का कॉमेडी वीडियो देखेंगे। उनको यही पसंद आता है कि कॉपी स्केच लेकर यहां पर क्या बिल्ली बनाई जा रही है, उसके साथ कौन और बिल्ली बना रहा है, यही सब उनको पसंद आता है। तो यही कंटेंट जब बनाओगे, उनको दोगे, तो भाई सबसे ज्यादा यूट्यूब पर जो व्यूअर्स हैं वो छोटे बच्चे हैं। आप देखे होंगे घर में, अगर आपके 4 बच्चे हैं, 4 जितना वो वीडियो देखते होंगे, जितना वो मोबाइल चलाते होंगे लेकर वही वीडियो देखते रहे, मोबाइल चलाने का मतलब है मोबाइल में लेकर वीडियो देखते हैं, और बड़े लोग उतना कभी नहीं वीडियो देखेंगे। बड़े लोगों का ज्यादा यूज क्या है, हेलो हेलो कहां पर हो, या फिर चैट में हेलो कैसी हो, बस यही सब में यूज करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखने में, और वीडियो क्या देखते हैं, यही छोटे बच्चों वाला। तो अब भी अगर सो रहे हो, उठ जाओ, काम करो। अब चैनल कैटेगरी क्या रखोगे, चैनल की सेटिंग क्या रखोगे, चलिए वो समझ लीजिए। यहां पर अगर आप काम करना चाहते हो, तो इसकी जो चैनल कैटेगरी होगी वो आप इंटरटेनमेंट रखना, चैनल कैटेगरी इंटरटेनमेंट रखना, और वीडियो अपलोड करते टाइम यस इट इज मेड फॉर किड सेलेक्ट करना, यानी ये बच्चों का कंटेंट है तो यस इट इज मेड फॉर किड सेलेक्ट करना, बहुत तगड़ा चलेगा विश्वास मानो। और एक चीज बता दूं, इंडिया में तो कम, फॉरेन कंट्री में, फॉरेन जो फॉरेन कंट्री है ना, वहां विश्वास मानो आप इतने सारे चैनल्स बने पड़े हैं, एक एक इंसान 10-10 चैनल चलाता है, 35-35, 40-40 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, करोड़ों में अर्निंग करता है, विश्वास मानो करोड़ों में अर्निंग करता है। आप देख कर उठा लेना किड्स चैनल, सबसे ज्यादा आपको विदेशों का चैनल मिलेगा, विदेशों का, फॉरेन कंट्री का, क्योंकि उनके पास उतना दिमाग है, वो समझ लेते हैं कि किसमें ज्यादा पैसा है। जहां लोग बड़े बड़े चैनल सौरभ जोशी कैरी मिनाटी बनने के चक्कर में हैरान है, वो ये सब नहीं बनते हैं, डायरेक्ट ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है, और वहां पर आकर कितना छाप रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक चीज बता दूं, YouTube में अभी रिपोर्ट आया था, सबसे ज्यादा अगर जो कोई पैसा चैनल कमाता है तो रयान काजी करके एक लड़का है जो कि यही किड्स का वीडियो बनाता है, वो सबसे ज्यादा YouTube से पैसे कमाता है, जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं उनके आगे 0 है, समझ लो इतना ज्यादा पोटेंशियल है। इसलिए काम करना किड्स चैनल में शुरू करो, मैंने आपको चैनल आइडिया दे दिया है, आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, और दिल से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, दिल से आपको अच्छा लगा है, तो वो कमेंट करके जरूर
जरूर अप्रिसिएट कीजिएगा और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो और सच में यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए मेरा वीडियो डेली देखना पड़ेगा और डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक जाए और सारी वीडियो देखकर यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।